हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा और किस फार्मूले के हिसाब से उनको नंबर दिए जाएंगे, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 15 जून तक घोषित कर देगा 10वीं कक्षा का परिणाम। 15 जून तक दोस्तों 10वीं के जो छात्र उनका रिजल्ट आ जाएगा, 15 जून से पहले पहले। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर देगा। इसके लिए बोर्ड ने फार्मूला तैयार कर लिया है। सभी स्कूल संस्थानों ने बच्चों के इंटरनल व प्रैक्टिकल अंक बोर्ड मुख्यालय भेज दिए हैं। 700 बच्चों को छोड़कर बोर्ड मुख्यालय में सभी बच्चों के इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल के अंक पहुँच चुके हैं। बच्चों का मूल्यांकन स्कूल द्वारा भेजे गए इंटरनल व प्रैक्टिकल विषयों के अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ अप्रैल माह में सफल हो गई थी। पहले थ्योरी के अंक निकाले जाएंगे, उसके बाद उसमें असेसमेंट या प्रैक्टिकल अंक जोड़कर उसका परिणाम निकाला जाएगा। उसके बाद इस फार्मूले से किया जाएगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। प्रैक्टिकल विषय वाले बच्चों का मूल्यांकन उनके प्रैक्टिकल विषय के अंक व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। ये फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे जो 10वीं जो छात्र है। प्रैक्टिकल विषय के अंक, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल विषय के अंक है 20। असेसमेंट अंक, यहाँ पर आपकी प्लस में असेसमेंट अंक है। मल्टीप्लाई दिया है। सब्जेक्ट टोटल अंक, ये आपके सब्जेक्ट टोटल अंक यहाँ पर आप देते हैं 60। डिवाइड बाई अधिकतम अंक ये 40 से डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम डिवाइड बाई अधिकतम। प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल असेसमेंट अंक प्लस इंटरनल असेसमेंट व असेसमेंट अंक यहाँ पर आप देखते हैं इक्वल टू 100। यानी कि किसी बच्चे के प्रैक्टिकल में 20 अंक है व इंटरनल असेसमेंट में 20 अंक है, वे सब्जेक्ट के कुल 60 अंक हैं, तो परिणाम इस प्रकार निकाला जाएगा। इस फार्मूले से आपका रिजल्ट जारी किया गया। ये फार्मूला दिया गया, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। इसके हिसाब से बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि परीक्षा परिणाम 15 जून से पहले घोषित कर दिया। 15 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 3,40,000 बच्चों में से कुल 700 बच्चों के अंक इंटरनल अंक नहीं पहुँचे हैं। इनमें से कुछ बच्चे CBSE में जा चुके हैं, और मतलब कोरोना के चलते इस बार 10वीं परीक्षा नहीं ली गई। सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। 10वीं कक्षा में 3,40,000 छात्र हैं। 15 जून से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा 10वीं के छात्रों का हरियाणा बोर्ड के, और इस फार्मूले से उनको नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MDU Help को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।